बावजूद मेरी एक कॉल पे हमारे होनहार डीडीसी साहब अवतार सिंह जी जो यहाँ हमारे बीच बता रहे हैं आज अपने सरपंच प्रमंडल श्री जोगिंदर शर्मा जी, श्री रशीद आलम जी सरपंच दियोन, नायब सरपंच श्री अनिल शर्मा जी सरपंच खड़ा मटाना, मैडम सबोलिया जी सरपंच कटवालता और जो प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ आए हैं, मैं सबका तहे दिल से यहाँ वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ और उनका शुक्रिया अदा भी करता हूँ। आज ऑर्गेनाइज किया है वर्दी सीईओ डायरेक्शन डेक्स साहब की, जहाँ समग्र शिक्षा से जो हमें सेक्शंस मिली हैं तो उसका मैंने देखा कि क्लाइमेटिक कंडीशंस तो अच्छी नहीं है, लेकिन क्योंकि 1 अप्रैल से हमारा सेशन शुरू हो जाना है तो ये मुनासिब रहेगा कि हम मौसम के साथ कंप्रोमाइज करते हुए शुरू करें। तो लिहाजा मैं ये आपको अवगत करा दूं कि हमने ये स्कूल क्यों चुना। हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन है तो ये स्कूल क्यों चुना, इसके पीछे भी एक लॉजिक है, कारण है कि यहाँ की एनरोल जब से मैं आया हूँ घटती जा रही है, मुश्किल से 4-5 बच्चे रह गए हैं। तो मैंने कहा कि ये प्रोग्राम क्यों ना यहाँ से ही शुरू किया जाए, तो ये हम सबका यहाँ बेहतर बनता है कि नेक्स्ट कम्युनिटी मोबिलाइजेशन प्रोग्राम या नेक्स्ट ईयर हम करेंगे तो यहाँ एनरोलमेंट जो है डबल ट्रिपल होगी भी मिल रहा है, हमारी तरफ से भी हम तैयार हैं, तो फिर कमी कहाँ है। ये हम सभी को आकलन करना है, सभी सोच रहे हैं, सभी को पता है, सभी अपने कॉन्शियस पे हाथ रख के पूछ सकते हैं कि कमी कहाँ है और सब जानते हैं। बोलने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि बोल के हम किसी चीज को हल्का नहीं करना चाहते, वो खुद अपनी कॉन्शियस से पूछे। नवरात्रे चल रहे हैं, नवरोज चल रहे हैं, जब आप पूजा पाठ करते हो, नमाज करते हो, उसके बाद बैठ के कॉन्शियस पे हाथ रख के अकेलेपन में सोचो कि कहाँ कमी रह रही है। वो कहने से हर चीज का हमें हिसाब देना पड़ता है, ये हम सभी मानते हैं, सुनते हैं और उनको सुनाते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकली करके दिखाना पड़ेगा। ऐसा मुझे लगता है कि पहले जमाने में ऐसा होता था कि बाप खड़ा होता था तो बेटा क्या करता था, दूर से भागा भागा आता था, उठ के खड़ा हो जाता था, चेयर दे देता था। जब बाप कहीं टाइम देता था आने के लिए, फलानी जगह इतने बजे बेटा पहुंचना है, तो बेटा पहले ही दरवाजे पर खड़ा होता था 5 मिनट। बड़े दुख के बाद कहना पड़ता है कि हमारे अफीसर साहबान यहाँ के, हमारे PRI जिनके पास पूरा एरिया का बर्डन होता है, वो अपना टाइम जो है कीमती निकाल के यहाँ बैठे हुए थे। मैं भाई ये चीज कहने से रोक नहीं जाऊंगा, और हमारे इंचार्ज जिनको हमने बोला हुआ था कि 20 ही मेंबर लेके आना है आपने, वो लेके नहीं आए। बड़े दुख भरी बात है, इसका हमें सभी की सोच विचार करना पड़ेगा और हमें अमली जमा पहनाना पड़ेगा ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी कहीं गैदरिंग हो हम बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। और ये जो हमारा आखिर में जितने भी यहाँ चेहरों के विराजमान हमारे PRI मेंबर हैं, DDC साहब हैं, हेडमास्टर साहब हैं, पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, मैं दिल की गहराइयों से सबसे शुक्रगुजार हूँ कि वो कीमती वक्त निकाल के यहाँ आए। थैंक यू, धन्यवाद। आज नंदा गांव में हम जहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन जो प्रोग्राम है, जहाँ पे JDU प्रमंडल ने जहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है, इस प्रोग्राम में हमारे JDU प्रमंडल रजिंदर जी और हमारे जहाँ के लोकल सरपंच जोगिंदर जी और दियोन के सरपंच रशीद जी, खड़ा मड़ाना के सरपंच लोन के, इसमें हम सब ने मिलजुल के हिस्सा लेना है, इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है, इस कार्यक्रम को सफल करना है। इस कार्यक्रम की सफलता वो हमारी सबकी सफलता है, क्योंकि जब तक हम सब इस कार्य में नहीं लगेंगे तब तक हम कामयाब नहीं हो पाएंगे, देश हमारा जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा हमारे, क्योंकि एजुकेशन जो है वो देश की एक तकदीर कहते हैं ना, तकदीर बदलने वाला ये कार्य है, क्योंकि जो पढ़ा लिखा बंदा है, जिसके पास ज्ञान है, वो देश को बड़ी दूर आगे लेके जा सकता है। वो ठीक है, आप डालो पेरेंट्स डालो, SC का डालो, ST डालो, BPL डालो, उसको डालो। उसके अलावा बड़े सारे लोग हैं जो गांव में रहते हैं, जो सेवा के कार्य में उनकी अग्रणी भूमिका रहती है, वो करना चाहते हैं समाज के लिए कुछ, तो हमें उनका भी सहयोग लेना चाहिए। किस किस स्कूल में मतलब बैठने की व्यवस्था कम है, कहीं डेस्क की कोई प्रॉब्लम है, कहीं लैब नहीं है, कहीं
बाउंड्री वॉल नहीं है, कोई टॉयलेट बॉक्स नहीं है, कहीं पानी की कोई, उसके लिए हमने कोशिश की है। हम सब साथियों ने मिलके इस इलाके के जितने भी हमारे स्कूल हैं उनकी बेहतरी के लिए हम सब ने मिलके काम करना है। हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। मैं श्योर करता हूँ, आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके स्कूल में कोई भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो आप जरूर बताइए, हम आपका जरूर सहयोग करेंगे। बड़ी अच्छी बातें आपने कही कि आज के संसार में लड़की की शिक्षा बहुत ही जरूरी है, और ये मैं बताता चलूं कि एजुकेशन हमारे बीच बैठे हुए प्रमंडल पंचायत के सरपंच जुगेंद्र शर्मा जी, सरपंच देवन अर्शीद मोहम्मद जी, सरपंच खड़ाम डाडा अनिल शर्मा जी, टीचर जो है सरकारी टीचर जो है वो अपने बच्चों को भी सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा है, लेकिन गरीब लोग बहुत बहुत मजबूर है, बहुत बोलने की किसी को बोलने की नहीं है कि बोले बच्चों को उधर डालो स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में डालो, ये डालो, उनको तो मजबूरी है बेचारों को, उनको तो वहीं डालना है। तो खास करके मैं यहाँ के जज साहब प्रमंडल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब से इन्होंने प्रमंडल जी सारे टीचर स्कूल नहीं पढ़े, चलो प्राइवेट स्कूल अपने भी एक फैशन बनाए लोग प्राइवेट स्कूल जाने का, बहुत गरीब कहने दस अभी अगर वेल क्वालिफाइड पढ़े टीचर तो जॉब करा दे प्राइवेट स्कूल जॉब करा दे जिन्हें नौकरी नहीं मिलती, जिन्हें कोई साधन नहीं लगता वो 15,000 रुपये नौकरी करा दे, वो कोई ज्यादा क्वालिफाइड थोड़ी तो ये वास्ते ऐसे ये सोचने का विषय है, समझने का विषय है, सारा ऐसे लोगों की अवेयर करने का विषय है, ऐसे फैशन का पासा नहीं पाना, ऐसे ये चीज कोशिश करते हैं कि बच्चे की अच्छी क्वालिफिकेशन कुछ दे सकते हो एक सरकारी स्कूल दे सकने। चलिए लेकिन कुछ पेरेंट्स हैं जो नहीं मानते इस चीज को, देखो टीचर्स जो है वो बाउंडेड है अपनी ड्यूटीज में बाउंडेड है, अगर आप रोज स्कूल जाएंगे 28th ऑफ एवरी मंथ 26th ऑफ एवरी मंथ एक मीटिंग होती है पीटीएम, है ना, पेरेंट टीचर इंटरेक्शन होती है, पेरेंट्स नहीं आते उसमें, हमें सर ने खुद कंप्लेन की है कि पेरेंट्स नहीं आते हैं। आप में से कई पेरेंट्स होंगे उनको ये भी नहीं पता होता है, मैंने खुद देखा है पेरेंट्स टीचर्स जब जो ये गवर्नमेंट स्कूल के हैं वो स्वेटर्स देते हैं कुछ बोलते हैं उनको, ये जो पेरेंट्स आते हैं उनको ये भी पता नहीं होता कि हमारा बच्चा कौन सी क्लास में, वो बच्चा कैसे पढ़ेगा जिसको पेरेंट्स को नहीं पता है। एक टीचर जिसके पास 6 घंटे रहना है एक बच्चे ने 6-7 घंटे रहेगा, जिसके पास बाकी के सारे घंटे वहां रह रहा है 17-18 घंटे आपके पास रह रहा है बच्चा, आपके पास अगर आप वैसा इन्वायरमेंट नहीं दे रहे हो, वैसा कल्चर नहीं दे रहे हो, वैसी चीजें नहीं सिखा रहे हो, 6 घंटे में वो टीचर क्या करेगा। पेरेंट्स को अवेयर होना पड़ेगा, और स्पेशली मैं ये कहना चाहती हूँ गर्ल्स को, गर्ल्स को पढ़ाइए, ये मत सोचिए, मैंने बड़े जो प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं पेरेंट्स, मैं कह रही हूँ कि वो अवेयर है क्यों, क्योंकि वो खर्चा कर रहे हैं, वो खर्चा करते हैं, पैसे देते हैं, उनको बड़ी टेंशन है, मैडम इस महीने आपने पीटीएम नहीं रखी, मैम हमारे बच्चे के पेपर कब आ रहे हैं, आपने बच्चे को ये नहीं बोला था, आपने मेरे बच्चे को ये नहीं पूछा कि आप ब्रश करके आए हो कि नहीं आए हो, तो गवर्नमेंट स्कूल में क्यों नहीं, वहां तो वेल एजुकेटेड टीचर्स हैं, वहां क्यों आप, क्योंकि आप वहां पर पे नहीं करते हो, इसलिए गवर्नमेंट का शुक्र मनाओ कि हर एक बंदे को उसने फैसिलिटी दी है कि हर एक बच्चा एजुकेटेड हो सके, इसीलिए ये फैसिलिटी दी है ना, वहां वेल एजुकेटेड टीचर्स हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वो पढ़ा रहे हैं, आप अगर अवेयर होंगे तो टीचर क्यों नहीं पढ़ाएगा, बच्चा क्यों नहीं पढ़ेगा, वहीं से कई बच्चे अच्छी नंबर लेकर पास हो रहे हैं, सेम क्लास सेम स्टूडेंट कोई फर्क नहीं, वैसा ही टीचर पढ़ा रहा है, वैसा ही सब कुछ, लेकिन वो बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स को कुछ बच्चे होते हैं वीक होते हैं, उनकी आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारा बच्चा वीक है, जब आप उसको थोड़ी सी अटेंशन दोगे, थोड़ा सा उसको बच्चे को घर में आके पूछोगे, टीचर के साथ भी रेगुलरली मिलोगे तो ऑटोमेटिकली बच्चा चलेगा, हर एक बच्चे का माइंड एक जैसा नहीं है, लेकिन पेरेंट्स को अवेयर होना पड़ेगा इसके लिए, पेरेंट्स खुद अवेयर होंगे तो टीचर कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी टीचर ऐसा करे कि बच्चों को एक बच्चे को नहीं पढ़ा रहे, सभी बराबर पढ़ेंगे, सभी बच्चे पढ़ते हैं बराबर, पढ़ेंगे नहीं पढ़ रहे हैं, आप थोड़ा सा पेरेंट्स को अवेयर होना है बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप हर मीटिंग में जाइए, मिलिए, रिजल्ट लेने जाइए, बच्चों को देखिए बच्चे क्या कर रहे हैं, अगर कोई गवर्नमेंट के दायरे की लेना है तो जगह ही टीचर दूसरे दे जाए,
अगर 100 दी स्ट्रेंथ है 100 प्लस बच्चा है तो उसी अगे अगे बढ़ाना। मेरा एक जून प्रमंडल संगड़ स्कूल जो मिडिल स्कूल है जिसे मी लगता इस वेल 100 प्लस बच्चा फड़ा लाया उसे, अगर 100 प्लस बच्चा फड़ा लाया तो उसे क्योंकि है सारे ग्रां के विलेज संगड़ते स्कूल बच्चे स्कूल ग्रां के बच्चे